शिवपुरी में बढ़ने लगी चोरी की घटना, ले गए लाखों रुपए चोर। 12 दिसंबर की दरमियान रात को चोरों ने अनाज मंडी कस्टम गेट के पास आकाश मेडिकल पर बोला धावा। मेडिकल संचालक ने बताया कि चोर लाखों रुपए ले गए, इसमें 50,000 रुपए का कैश एवं एक आईफोन और कुछ खुले पैसे ले गए। सुबह जब मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने दुकान की आधी शटर खुली देखी, तब मेडिकल संचालक आकाश खान को फोन करके पूछा कि दुकान पर कोई है या रात में कोई सो रहा है। उसने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल संचालक आकाश खान अपनी मेडिकल दुकान पर पहुंचा तो देखा कि चोरों ने दोनों ताले तोड़ दिए थे। देखा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मेडिकल संचालक ने डायल 100 को फोन किया, तब जाकर पुलिस वहां पहुंची। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। नाम है तुम्हारा? आकाश खान। क्या घटना हुई तुम्हारा? ये सुबह में 4 बजे आया था तो मेरी दुकान के दोनों ताले टूटे पड़े हुए थे और इसमें से अंदर से मेरा आईफोन मोबाइल 50,000। जानकारी किसने दी आपको? मुझे सुबह मंडी वालों ने बताया, जब मैं यहाँ से आया तब मंडी वाले निकल रहे थे, सुबह मजदूरी के टाइम रहता उनका, सुबह निकल रहे थे। जब उन्होंने बताया कि आपकी दुकान शटर खुली हुई है आज ही, तो उन्होंने पूछा मुझसे कोई सो रहा है क्या उसमें, मैंने कहा नहीं, तो क्या तेरी शटर तो खुली है। तो मैं फिर घर से भगता हुआ आया, मैंने आके चेक करा तो मेरी दुकान आधी खुली हुई थी, आधी शटर खुली हुई थी। पैसे वगैरह थे क्या? पैसे थे ना, उसमें 50,000 रुपये थे और कुछ खुले ही पड़े थे, 10-10 के 20-20 के और 550 थे। एक मोबाइल था iPhone 6, वो भी ले गए और पैसे भी ले गए, सामान पूरा फैला पड़ा हुआ है अभी। नज़दीकी थाने में आपने कंप्लेंट की? हाँ, कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ। पुलिस आ गई थी? हाँ आ गई थी, अभी आ गई है, अभी आई है। जो मैंने कंट्रोल रूम फोन करा था भाई। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।